आपके। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी एकदम बढ़िया से हैं। तो दोस्तों आज जो है ये ब्लॉग सुबह सुबह मैं स्टार्ट कर दिया है। टाइम हुआ है इस समय 4 बज रहे हैं। तो दोस्तों सुबह 4 बजे से सिंचाई पे ड्यूटी लगी थी और अभी थोड़ा हेल्प करने के लिए मिसेस सोनिया जी आ गई और लगभग हमने सिंचाई कर ली है। जितना आपको ये सिंचा हुआ खेत दिख रहा है ना, उस साइड में मिर्च बो रखी है और इस साइड में हमने अभी देख रहे हो गीला गीला लग रहा है, खाली पानी चल रहा था परसों, उस साइड पानी चारना रह गया था तो उसको भी आज क्लियर कर दिया है रात 3:30 बजे से। तो फिलहाल सुबह का हमारा जो काम था वो हो गया है डन और अब देखते हैं थोड़ा दिन में हम क्या करते हैं। कुछ अलग सा अगर किया और आपके साथ शेयर करने लायक रहा तो ज़रूर शेयर करेंगे, तो बने रहे ब्लॉग में। बात की जाए अगर गांव के काम की तो आप समझ सकते हो ये हो रहा है, देख रहे हो इतना टूट गया है लगभग पूरा। और अब जो है ये बेस तोड़ना रह गया है, बाकी लगभग सारा टूट गया है। काम में जो है महिलाओं की जनसंख्या में भी तीव्रता से वृद्धि हुई है, लगभग काफ़ी लोग हो चुके हैं। अब ये इतना सारा तोड़ दिया है, इसका डिस्ट्रक्शन कर दिया एक तरह से, और पत्थर आप देख सकते हो और इनका काम यहाँ स्टार्ट हो चुका है, ये देख रहे हो, और आधे पत्थर इधर रखे हैं। तो यही है टंकी का काम जो चल रहा है। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा इधर काम कर रहे थे हम, तो इस काम के बारे में भी आपको अपडेट मिलती रहेंगी मेरे ब्लॉग के माध्यम से। तो आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए मैं पहुंच चुका हूं जहां पे मुझे आज काम करना है और अकेला हूं इसलिए थोड़ा काम हार्ड लग रहा है, बट धीरे धीरे जितना भी मेरे से हो सकेगा प्रयास करूंगा और देखो कितना निकलता है। थोड़ा जगह की भी यहाँ पे शॉर्टेज हो रही है रखने के लिए। बात करूँ यहाँ से दिख रहे मेरे सुंदर गांव का व्यू का, तो बात क्या करनी आप खुद ही देख लीजिए। मेरा सुंदर गांव और चमकती धूप में कैसा चमक रहा है, मानो कोई सोने की खान हो। तो चलो दोस्तों लग जाते हैं अपने काम पे और मिलते हैं आपसे। तो दगड़ो आज आ चुके हैं हम शाम के टाइम टहलने के लिए और बहुत थक गए थे, बहुत हार्ड काम किया 2-3 दिन से, आप देख ही रहे थे ब्लॉग के माध्यम से। तो हमने सोचा कि जरा अपने मार्केट के दर्शन किए जाए और निकल चुके हैं आज की शाम को घूमने के लिए अपने नियरेस्ट मार्केट कुरली खाल की तरफ। और ये जो जगह है मेरे इस साइड में देख रहे हो, ये हमारा गांव, पड़ोसी गांव सुकरो, जो कि बहुत सारे ब्लॉग में आपको देखने को मिलता ही होगा। और हम जा रहे हैं इस उकाल की उस तरफ, देख रहे हो बहुत लंबी चढ़ाई है ये और बहुत नीचे से आ रहे हैं हम। अगर इसके मेजरमेंट की बात करूं मैं तो लगभग 1 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई है, लगभग इतना तक हमको एहसास होता है। और ये वही रास्ता है जहां से हमने अपना सेकेंड स्कूल यानी कि कॉलेज किया है, GIC अमरोली। आप अगर मेरे को फॉलो करते रहते हो तो उस पर मेरा ब्लॉग भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। और इसी रास्ते पर आगे है नया जो दुकान जिसका ब्लॉग आपने करंट में देखा होगा, आज ही मैंने डाला था, धनपाल सिंह की दुकान रास्ते में ही पड़ती है, इसी रास्ते पे है। तो वो लोग भी हमारे गांव से डेली अप डाउन करके यहाँ आते हैं दुकान चलाने के लिए। तो आप समझ सकते हो कि पहाड़ों में जो है अगर आप बिजनेस भी करना चाह रहे हो कोई सा भी और आपके गाँव में रोड नहीं है तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों खाली अपनी परेशानियां बताकर ही
अपना हिम्मत तोड़ देना आई थिंक अच्छा संदेश नहीं है। इसलिए जो है प्रयासरत तो हमको रहना ही पड़ता है संघर्षपूर्ण जिंदगी में, ये सब तो हमारा आम रहता है। तो चलो चलते हैं और देखते हैं आज धनपाल सिंह की दुकान के दुकान में जाके, शाम का टाइम होने वाला है और इस टाइम देखेंगे हालचाल अभी बड़ी है कि नहीं, क्योंकि नई नई दुकान खुली है तो मार्केट बनाने में भी थोड़ा टाइम लगता है। बट अगर आदमी व्यवहारिक अच्छा रहे और सही तोल मोल करें तो इन चीज़ों में जो है काफ़ी उन्नति कर सकता है। और धनपाल सिंह जैसे कि इसी टाइप के आदमी भी हैं, व्यावहारिक बहुत ही अच्छे हैं, तो उनसे हमारी उम्मीद है कि वो अपने इस बिज़नेस को काफ़ी आगे तक लेके जाएंगे। तो चलो दगड़ो मिलते हैं इसी दुकान में। तो दगड़ो दोनों दुकानों का भ्रमण किया हमने और देखा, अगर ग्राहकों की हलचल की बात करूं तो इस समय जो है काफ़ी तेज धूप रहती है पहाड़ों में और ग्राहक जो भी होते हैं लगभग 5-6 बजे के बाद ही आते हैं शाम के टाइम जब मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है। और हम धूप में आ रहे थे तो इतनी खास ग्राहक हमको मिले नहीं और हम आ चुके हैं देख रहे हो रोड के रास्ते से घूमते घूमते, और हमको जाना है सीधे शुक्रो गांव के ऊपर जहाँ पे रोडवेज का बस स्टैंड है, वहीं तक हमारा सफर है आज। तो बने रहे ब्लॉक में, देखते हैं हमारे रोडवेज बस स्टैंड के पास कि कुछ हलचल किस प्रकार से हो रही है। और यहाँ से अगर मैं व्यू की बात करूँ तो आप खुद ही देख सकते हो, यहाँ से आता है ज़बरदस्त व्यू हमारे गांव गलियारों का। और दोस्तों जो कहते हैं गढ़वाली में डांडी काठियों को मुल्क, तो ओरिजिनली में यही है, वो इसी को बोलते हैं डांडी काठियों को मुल्क। देख लो कहीं ऊंचे ऊंचे पर्वत है तो कहीं गहरी गहरी घाटियां हैं, यही सुंदरता है हमारे इन हसीन पहाड़ों की। और दोस्तों चलते चलते रोड से एक गांव है, देख रहे हो ये गांव है हमारा पड़ोसी गांव सुकरो। भौगोलिक स्ट्रक्चर है इस गांव का। तो दोस्तों शाम के टाइम जो है पूरा भ्रमण करने के बाद हम पहुंच चुके हैं भवन में, और एरिया में आपको दिखा सकता हूँ यहाँ से, देख रहे हो बहुत सारे गांव, ये है मोहन मार्केट और यहाँ से कम 20-30 गांव दिखाई दे सकते हैं आपको दूर दूर। वो टंडोली का गांव दिख रहा है, ये सराना पहला मेला, इधर ये डुडेरा। तो कुछ इस प्रकार का इन्वायरमेंट है अपने इन पहाड़ों में। आज के शाम की गश्त के दौरान मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल पे नए आते हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में, भगवान करें आपका दिन शुभ हो। बाय बाय दगड़ियों।